does an outstanding job. विक्की। सन 1429 में फ्रांस की मशहूर वॉरियर जोन ऑफ आर्क ने फ्रेंच सेना की कमान अपने हाथ में ली और इंग्लैंड के साथ चल रहे 100 साल से ज्यादा पुराने वॉर में कई एनिमीज को मार गिराया। जब से उन्होंने चार्ज लिया तब से फ्रांस आर्मी को बहुत सारी विक्ट्रीज मिली और दुश्मनों ने उनके सामने घुटने टेक दिए। सचमुच जोन ऑफ आर्क एक महान लेडी थी। हाँ सच्ची। सर क्या वो जोन ऑफ आर्क हमारी परमा नंबर 3 पाको की तरह थी? जोन ऑफ आर्क ने फ्रांस के लिए अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, वैसे पाको भी ऐसी ही है। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो टीचर ने मुझे आज के जमाने की जोन ऑफ आर्क कहा, बिल्कुल सही कहा। लेकिन ऐसा उन्हें क्यों लगता है क्या मालूम? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ वैसे सच कहो तो तुम जैसी बड़बड़ी और जोन ऑफ आर्क में क्या सिमिलर हो सकता है? रूबी तुम चुप करो। वैसे तो मैं जोन ऑफ आर्क की तरह हूँ, परमैन सेट पहनती हूँ ना, इसलिए मैं ऐसी दिखती हूँ। ओह नो, फिर से तुम परमैन सेट को ब्लेम करने लगी। ये एक फैक्ट है, हम बदल नहीं सकते। ये बात है तो चलो एक काम करते हैं, ये परमैन सेट हम किसी लड़की को पहनाते हैं और फिर देखते हैं कि वो कैसे अपना काम करती है। बताओ ये परमैन सेट किसे पहनाया जाए? तुम मेरे परमान सेट के साथ क्या करना चाहते हो पहले ये बताओ। अरे पाको बस थोड़ी देर की तो बात है। नहीं नहीं मैं नहीं दूंगी, मुझे ऐसे गेम पसंद नहीं। यानी तुम ये गेम खेलने से डर गई और तुम हार गई। हा, 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 हा। पहले जाओ ऐसी लड़की को ढूंढ के आओ। हाँ तुम चाहते हो मैं परमान सेट ट्राई करूँ? हाँ हम देखना चाहते हैं कि परमान सेट पहनने के बाद क्या कोई भी लड़की ताकतवर हो जाती है, बस यही हमें चेक करना है। मुझे परमैन सेट पसंद है लेकिन मैं इस बात के लिए नहीं पहनना चाहूँगी। पर क्यों? मैं कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास पाको का अच्छा एग्जांपल है और वो हम सब लड़कियों को रिप्रेजेंट करती है और इस वक्त वो सबसे अच्छा काम कर रही है। ओह थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम पाको, तुम इसी तरह हमारे जमाने की जोन ऑफ आर्क बनी रहना। तो परमैन मेरे बारे में ओपिनियन बदल गया क्या? अरे क्यों बदलेगा, वो मिची को बड़ी भोली है और इसलिए वो तुमको सच नहीं बोल पाई, समझी? ठीक है तो फिर तुम किसी और लड़की को ढूंढो, जाओ। ओ, अब दूसरी लड़की मिलेगी कहाँ? क्या कहा मिस सुरे? लेकिन वो ये काम कर पाएगी? नहीं नहीं वो ये काम नहीं कर सकती। उससे अच्छी दूसरी लड़की हमें मिलेगी। नहीं ऐसा नहीं है, ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं हम। अच्छा तो फिर ठीक है। ओह ये सब फिर से क्यों करना पड़ रहा है? मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमेशा वो मुझे चिढ़ाते रहते हैं। मेरी असलियत उन्हें मालूम नहीं है ना। अच्छा तो अब क्या करना है बताओ? अभी के लिए मैं असली सुमीरे बन जाती हूँ और तुम पाको बन जाओ, ठीक है? और परमैन बूबी के सामने मुझे ये परमैन सेट दे देना। लेकिन उस सब के बारे में मैंने पहले ही सोच लिया है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है? ऐसा करने से शायद उन्हें पाको का असली चेहरा भी मालूम पड़ जाएगा। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूँ ना पाको दी ग्रेट। इसे कहते हैं एक तीर और दो शिकार। अब हमें पाको का असली चेहरा भी मालूम पड़ जाएगा। ज्यादा देर तो नहीं हुई ना, मुझे पाको ने सब कुछ बताया और मैं तैयार हूँ। थैंक्स मिस सुमेरे, हमें अच्छा लगा। अब मैं तुम्हें अपना परमान सेट दे रही हूँ, ये बहुत पावरफुल है। आज मैं पाको का असली चेहरा देख ही लूँगा। परमान सेट संभाल के रखना। क्या तुम ऐसी दिखती हो पाको? मैं तो मैं अपना असली चेहरा नहीं दिखा सकती थी। Rather you guys look at Miss Sumire. She looks the best. I'm sorry, Paco, but she looks really adorable. ओहो, इनका टॉप फ्लोर तो बिल्कुल खाली है। तो चले सबसे पहले पेट्रोलिंग करते हैं। चलो फिर। ऐसे तो हम ये नज़ारे कई बार देख चुके हैं लेकिन तुम्हारे साथ देखने का मजा ही कुछ और है। ओए, जवान हो भाई, कैसी हो तुम? Oh, I don't know, but for some reason, Paco is looking quite feminine today. It's obvious. Actually, today my idol star Sumi. Quiet. बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम हमें बेसबॉल में स्पेशल ट्रेनिंग दोगी पाको? Okay, no problem. पाको हम तैयार हैं। Here I go! Come on! Oh no! Sabu, ab tumhari bari! Oh, agar tum log aise simple catch nahi pakdoge to asli match mein kya hoga? To fir hame acche se sikhao na! Ab dekhna meri fielding! Taiyar hai na? Yellow! Just hit
hate you for this, Perman. This is really bad on your part. You're just behaving like Paco. I'm sorry. Perhaps this is because of the Perman said... Oh, no! हाँ, मैं परमैन बोल रहा हूँ, बोलो क्या बात है? एक इमरजेंसी आ गई है, तुम पाको और बूबी अर्जेंटली कोल माइंस के पास पहुँचाना। ओके ओके या मिस सुमिरे, तुम्हें ऐसे डेंजरस सिचुएशन में नहीं आना चाहिए। डोंट वरी, मैं कर लूंगी। नहीं, वो क्या है ना, अगर तुम्हें चोट लग गई तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। जाओ और जल्दी से पाको को बुला कर लाओ, जाओ। ओ, ऐसा थोड़ी चलता है, अगर पाको को चोट लग गई तो। या यहाँ पर माइंस पहुँच चुके हैं और वो अब कोल माइंस के अंदर जा रहे हैं। कायान, कौन है ये चोर? ये नकली नोट प्रिंट करते हैं। नकली नोट? हाँ? लगता है यहाँ पर कोई भी नहीं है। मुझे तो लगता है वो यहाँ से भाग गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, कोल माइन चारों तरफ से बंद है। अगर उसने नया एग्जिट बनाया होगा तो? तो हमें एक साथ उन पर हमला करना होगा। वो देखो, वो भाग रहा है। बॉस को बताना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल असली नोट है। बॉस, परमेंस यहाँ पर पहुँच गए हैं। बैड न्यूज बॉस। तो वो लोग मेरे अड्डे में ही आ गए हैं। तो चलो उन्हें मजा चखा दे। क्यों? हाँ। तो ये है इनकी फैक्ट्री। हाँ, इन्हीं पेपर से वो फेक नोट बनाते हैं। इतने सारे नोट बनाए हैं। हाँ? क्या हुआ बूबी? बूबी तुम ठीक तो ना? डर मत, मैं आ रहा हूँ। अरे हम भी फंस गए, हमें निकालो। तुम तो बहुत ही आसानी से फंस गए परमैन। अब कैसा लग रहा है फंसकर? तुम नहीं बच पाओगे। तुम्हारा समय खत्म। तुम्हारे जाने से इस देश के सारे बुरे आदमी मुझे जिंदगी भर याद रखेंगे। अब ये चलो, अब निकल चलते हैं। यस बॉस। पता नहीं ये माइंस कहाँ पर है। हमारा बैज बज रहा है। ये तो पाको का कॉल है। पाको, हमें बचाओ प्लीज। कहाँ हो तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा। हम यहाँ फंसे हुए हैं, वो क्रिमिनल्स नए माइंस की तरफ गए हैं, उनका पीछा करो। ओके। पाया, तुमने क्रिमिनल्स के पीछे जाने के लिए क्यों कहा? ये सोचा है कि इस बीच हमारा क्या होगा? हमारी जिंदगी से ज्यादा उन क्रिमिनल्स को पकड़ना बहुत जरूरी। Oh no, at least don't say such thing. We don't have much time. Yeah. Good to go. Good to see you. Good to see you. Good to see you. कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं कहा कुछ कह रहा था, मुझे पुलिस के हवाले कर दो ना, मैं पाको के हाथों नहीं आना चाहता। ये भी कोई बात हुई? Well, you guys had quite a tough time. Oh, thanks, Miss Amiri. That's so sweet of you. You're so feminine. Indeed, it's a pleasure to get a clothes wash from a star like you, Miss Amiri. But yes, you did take Paco's position a while ago. I wanted to see if any girl would become tomboyish if they wear the Perman set. Oh, I see. That's the reason someone like you could attack those crooks. Now I come to know that it's all because of the Perman set. Fine, I'll say sorry to Paco. Please do that. I'm sure Paco would be really happy. But I'm sure, Miss Sumire, you are the true Joan of Arc of the modern times. But your panty was really very cute.